आपको मेरा प्यार भरा सलाम। आज आपसे मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है देगी आलू गोश्त। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा आधा किलो बकरे का गोश्त यानी कि लैम मीट। यहाँ पे हमें पोटैटो चाहिए होंगे 6 अदद, यानी कि आलू हमने लेने हैं 6 अदद, जिसको आपने दरमियान में से कट कर लेना है। फिर आपको चाहिए होगा अदरक गार्निश के लिए, धनिया गार्निश के लिए और ग्रीन चिलीज गार्निश के लिए। यहाँ पे चाहिए होगा 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टीस्पून करी पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्चें यानी कि रेड चिली पाउडर। यहाँ पे हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी। यहाँ पे हमें चाहिए होगा 1/2 टीस्पून कोरमा मसाला, और ये हमारे पास साबुत मसालों में कुछ काली मिर्च के दाने चाहिए होंगे, और ये एक दालचीनी का टुकड़ा, यहाँ पे मोटी इलायची, और ये हमारे पास जो है वो लौंग चाहिए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक बारीक कटी हुई प्याज चाहिए होगी यानी कि ऑनियन 1 बारीक कटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे 4 अदद हमारे पास टमाटर चाहिए होंगे, जिसकी हम प्यूरी बना लेंगे, यानी कि हमने इसको मिक्सर में मिक्स कर देना है, इसका प्यूरी बना देनी है, ठीक है। ये अदरक लहसुन पेस्ट चाहिए होगा, तो चलें स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने जो है वो गोश्त डाल देना है, उसी के साथ आपने जो है वो अदरक लहसुन पेस्ट डाल देना है। यहाँ पे ये अनियन कटा हुआ आपने डाल देना है, और ये सारे मसाले आपने डाल देने हैं। आपने टमाटर की प्यूरी बना लेनी है, ठीक है। फिर आपने अपनी टमाटर प्यूरी डाल देनी है, ठीक है। इसमें आपने 1/2 कप ऑफ वाटर डाल देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे आपने मीडियम आंच पे रख देना है, और गोश्त को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये आधा पक ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको बंद कर रही हूँ। मैं तो इसको प्रेशर कुकर नहीं, मतलब सीटी नहीं लगाती, मैं अपने आप इसे पकने। हमने यहाँ पे 20 मिनट बाद मेरा गोश्त हो गया था, इसमें मैंने अब आलू डाल दिए हैं, ठीक है। 1/2 कुक हो गया था गोश्त, अब इसमें मैंने आलू डाल दिए। अब इस स्टेज पे आपने 6 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है, ठीक है, 6 बड़ी खाने की चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और थोड़ी देर आपने इसको फ्राई करना है। उस टाइम आप इसको भून रहे होंगे, उस टाइम आपने इसमें 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखी धनिया भी डालनी है। ये मैंने आपको स्टार्ट में इंग्रेडिएंट्स में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस वक्त हमें नहीं चाहिए थी, हमें इस स्टेज पर डालनी थी। 1 चम्मच आपने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाल देना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसको अच्छी तरह से भूनना है कि थोड़ा सा ऑयल ना निकल आए जब तक, और पानी खुश्क हो जाए। 5 मिनट इसको भूनने के बाद आपने 3 कप बॉयल किया हुआ वाटर इसमें डाल देना है। ताकि अब आलू भी मेल्ट हो जाएं, और जो 1/2 कुक जो गोश्त रह गया था, 1/2 कुक हुआ हुआ था, वो भी साथ में मेल्ट हो जाए। अब आपने इसको ढक के रख देना है उस वक्त तक जब तक कि आलू ना गल जाएं और गोश्त भी ना गल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा सालन पक के तैयार हो गया है, कितनी अच्छी इसकी कलर आया ऊपर। अब लास्ट पे आपने इस पर क्या करना है कि गर्म मसाला 1/2 चम्मच डाल देना है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो अब ये रेडी हो गया, अब हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखें मेरा देगी आलू गोश्त तैयार हो गया है। चलें जल्दी हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।